हॉर्न वगैरह काम नहीं कर रहा था, उसकी भी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। ये इसका हॉर्न वगैरह भी बज रहा है। अब इसकी साइड मिरर की वायरिंग जो भी थी हल्की फुल्की रिबिन पॉलिश वो कंप्लीट हो गई है, सही है। और ये दोबारा से वायरिंग खुल गई है और कंप्रेसर गया है वर्ड, इसकी एसी का काम हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। ये खड़ी हुई अगेन गाड़ी, ये शपाटर बाइक और ये गाड़ी। सो अभी इस गाड़ी को बाहर निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाने लगे। Let's go. कुछ इस ये देखो गाइस, सो खैर है कोल्ड स्टार्ट। तो गाड़ी थोड़ी गर्म होती है, फिर इसको पीछे करते हैं, गाड़ी निकालते हैं और फिर आपको बता दूं कि हम जाने का अंदर। हम निकल पड़े और सीन ऐसा है कि इसकी सेंट्रल लॉकिंग ने काम फिर से छोड़ दिया है। तो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं भाई तूने किया क्या है। और फिर दूसरा ये है कि इसका क्या नाम है, एक दो काम और हैं, एसी का काम है वो चेक करवाते हैं, इसकी हेडलाइट्स का काम है वो चेक करवाते हैं। तो जो भी है सब कुछ चेक करवाते हैं कि भाई इसने पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, काम भी प्रॉपर नहीं हुआ है और क्या सीन है, जाके चेक करवाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, उसके तासुरात क्या होता है। Few moments later. इसका एसी का काम स्टार्ट हो गया, इसका एसी में कुछ लीकेज वगैरह है और गैस वगैरह नहीं है। अभी प्रेशर डाल के चेक किया है तो उसका लीकेज वगैरह बंद करते हैं, गैस वगैरह डालते हैं, फिर उसका अंदर का स्विच है वो स्विच वगैरह देखते हैं और उसका जो भी एसी वगैरह है वो ऑन करवाते हैं। खर्चा खर्चा हो रहा है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। बैठे बैठे मैंने सोचा उसको रिबन पॉलिश भी करा दी जाए क्योंकि बहुत ही बेबद्दी हो रही है, कलर तो उसको करवा लेंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल रिबन पॉलिश वगैरह कराएं तो थोड़ी चलाते हुए शर्म ना आए। तो रिबन पॉलिश का काम जारी है। जो भी थी हल्की फुल्की रिबन पॉलिश वो कंप्लीट हो गई है, सही है। और ये दोबारा से वायरिंग खुल गई है और बैक स्पीकर्स जो थे वो लगा दी जो पड़े हुए थे मेरे पास। और ये बस चल रहा है सिस्टम। और एसी के कंप्रेसर में कुछ लीकेजेस थी, वो अभी कंप्रेसर भी फिट हो रहा है। Few moments later. का कंप्रेसर गया है वर्ड, इसकी एसी का काम हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है। इसका कंप्रेसर अरेंज करते हैं, ओरिजिनल जो कंप्रेसर है शेरशाह से ही मिलेगा वो कंप्रेसर वगैरह, इसका जो भी अरेंज करते हैं उसके बाद इसके एसी का काम वगैरह करवाते हैं। वायरिंग का काम अभी भी कंटिन्यू है और लगा पड़ा है वायरिंग का काम, वायरिंग का काम वगैरह हो जाता है। तो जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मैं साथ साथ देता रहूँगा। इसका हॉर्न वगैरह काम नहीं कर रहा था, उसकी भी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। ये इसका हॉर्न वगैरह भी बज रहा है। अब इसकी साइड मिरर की वायरिंग हो रही है, ऑपरेट नहीं हो रहा है। और इसकी सेंट्रल लॉकिंग का फिर से मैंने आपको बताया था जैसे काम, तो उसकी अभी वायरिंग कंटिन्यू है। तो जो भी होता है बताते रहते हैं आपको। जो भी छोटे छोटे काम थे वो करवा लिए हैं, बाकी जो भी काम है वो देख लेंगे करवा लेंगे। जो भी वायरिंग वगैरह का काम था वो बिल्कुल कंप्लीट करवा लिया है। बाकी हेडलाइट्स वगैरह का कल हेडलाइट्स कल जब नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी हो कल या परसों होगा तो उसका जो भी इसके जो हेडलाइट्स वगैरह वो लेके डाल देंगे। इसका एसी का सीन इसलिए हमारा पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि इसका क्या वो मिल तो रहा था कंप्रेसर, लेकिन जो उसका ओरिजिनल कंप्रेसर है ना वो नहीं मिल रहा था। और मैं ना बिल्कुल ओरिजिनल काबली कंप्रेसर लेके डालना चाह रहा हूँ, तो इसमें जो भी इसका काबली कंप्रेसर ढूंढेंगे शेरशाह वगैरह से तो उसके अंदर इसका ओरिजिनल कंप्रेसर है वो डालेंगे। और बस थोड़ा यूज़ में मिलेगा, लेकिन ये कि काबली मेरे को थोड़ा बेहतर लगता है नई की नस्बत।
तो डालेंगे कंप्रेसर, इसका एसी वगैरह ऑन हो जाएगा और इसकी लाइट वगैरह डाल के उसको फिल वक्त चलाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता है पैहा लगेगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पैहा आएगा तो उसको और काम कराएंगे। लेकिन ये कि अभी चलने फिरने की नोयत तक गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट, इस वक्त भी एसी के अलावा चलने फिरने की नोयत तक गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की सी अलाइनमेंट वगैरह आउट है वो करवा लेंगे। सो इंशाल्लाह इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग पे। यार चैनल को तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो। तो आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे आने वाले ब्लॉग का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।